इसी चीज का बता रहा था दोस्तों, जैसे ये स्कॉर्पियो को नियम फॉलो करने का कोई जल्दी नहीं है, इसे मेरे राइट से लेना चाहिए था ओवरटेक, बट ये लेफ्ट ले लिए हैं और एक गाड़ी मेरे राइट भी आ रही है जो ओवरटेक कर रही है। तो रात के सिनारियों में ये ज्यादा होता है, मैंने जहां तक फील किया है यमुना एक्सप्रेसवे और किसी भी एक्सप्रेसवे पे रात में ये ज्यादा करते हैं कि आपके लेफ्ट से आ रही है राइट से आ रही है गाड़ी, कई लोग मतलब ये नियम का फॉलो नहीं करते हैं। इसके साथ एक बात का और ध्यान रखना है कि आपको हमेशा अलर्ट रहना है कि आपको किस कट से नीचे उतरना है। यदि वो कट मिस हो जाता है तो आपको हो सकता है कि 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर बाद घूम के आना पड़े, या तो आप रिस्क लेंगे रॉन्ग साइड चलाने का। और रॉन्ग साइड चलाने का अधिकतर इंसान यही करते हैं, 5-10 किलोमीटर यदि आगे निकल गए तो रॉन्ग साइड ही चलाते हैं, जो एक भयानक गलती है, जो उसके लिए तो है ही है भयानक, मगर उसकी गलती की वजह से दूसरा उस गलती का भुगतान करना पड़ता है। तो हमेशा ही अलर्ट रहे कि आपका कट कहां पे और कितनी दूरी पे आने वाला है, और कट आने से पहले ही अपनी गाड़ी मतलब एक लिमिट में कर ले। यदि 100 का है तो 50-100 करके बगल वाले लेन पे चल लें, मतलब स्पीड स्लो कर लें, नहीं तो ये रॉन्ग साइड वाला बहुत 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 खतरनाक सिचुएशन होता है दूसरे ड्राइवर्स के लिए। चलिए अब अगले नियम पे चलते हैं, अगले सावधानी पे, चेतावनी पे, जो भी कह लीजिए उस पे बढ़ते हैं। अब यदि अगले एक सावधानी की बात की जाए एक्सप्रेसवे पे, तो वो ये है जो हर आदमी ऑलमोस्ट नेगलेक्ट करता है, उसे पता ही नहीं होता एक्चुअली, वो ये है कि एक्सप्रेसवे पे आपको यदि कोई सुनसान जगह नजर आ रही है, काफी सुंदर नजर आ रहा है, मान लो कि नदी के ब्रिज पे हैं आप, या कोई पेड़ों का समूह है, या कोई अच्छा लैंडस्केप दिख रहा है और वहां पर आप गाड़ी रोक रहे हैं, वहां का एंजॉयमेंट करने के लिए रुके हुए हैं, तो ये आपके लिए एक खतरा हो सकता है। बोलेंगे इसमें क्या खतरे की बात है, खतरे की बात ये है कि ऐसे जगहों पे छिनतई मारपीट और आप मतलब आपके साथ लूट खसोट हो सकता है। आप बोलेंगे ये मुझे कैसे पता, यमुना एक्सप्रेसवे पे एक जगह मस्त पेड़ लगे हुए थे, फूल वूल थे, तो वहां मैं रुक के खाना लाया था, खाना खा रहा था, तो पुलिस वैन आई, मैं पूछी क्या कर रहे हैं आप, मैं बताया खाना खा रहे, बोल रहे कि यहाँ पर आप खाना मत खाइए, यहाँ पे एक दिन पहले ही लूट खसोट और मतलब एक तरह से हाथापाई और जानलेवा मतलब एक तरह से चाकूबाजी तक हुआ है यात्रियों के साथ। तो कभी भी एक्सप्रेस वे पे ऐसा नहीं कि बहुत मस्त जगह दिखाई दे रहा है, सुनसान है और काफी प्राकृतिक सिनारियो तो आपको नजर आ रहा, आप रुक के वहां का मजा लेने लगे, तो उसका ध्यान रखें थोड़ा सा। जहां पे आपको लगे कि कई गाड़ियां रुकी हुई हैं, या जहां पे जन सुविधाएं हैं, या जहां पे लाइट्स हैं, मतलब आप समझ रहे हैं, इतना तो आप समझ ही चुके होंगे, आपको वैसे जगह पे रुक के आपको यदि कुछ करना है या आपको कुछ खाना पीना है तो कर सकते हैं, क्योंकि ये देखिए ऐसे लोग ले डूबते हैं, तो ये चीज का बहुत ध्यान रखिए। बहुत लोग को पता नहीं होता, नेगलेक्ट कर लेते हैं बस जोश में, क्योंकि मजा आ रहा होता है, हाईवे पे आप 100-110 पे चल रहे होते, गाना चल रहा होता, या डिच्चिक 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 बस मौज में चल रहे होते, बीच में रुकते हैं कहीं रुकते हैं, ये सब चीज का ध्यान आप नहीं देते हैं और मजा सजा ना हो जाए, ऐसे मजा से का फायदा ससुर। तो इससे अच्छा है कि मजा सुरक्षा के साथ करें, ये सारी चीजों का ध्यान रखे, ध्यान लिखा हुआ ना अलर्ट टुडे अलाइव टुमारो। तो दोस्तों वही कहता ना मजा सजा ना हो जाए, तो ऐसा मजा ना करें कि आप वो चीज आपके सजा में कन्वर्ट हो जाए। तो सुरक्षित होके इन नियमों का सारा पालन करते हुए, इन सावधानियों को ध्यान पूर्वक ध्यान मतलब इन सावधानियों को ध्यान में रखते हुए यात्रा करें, ड्राइविंग करें एक्सप्रेसवे पे। आई थिंक मैंने मुख्यतः
सारे बिंदुओं को, सारे सावधानियों को, नियमों को आपको बता दिया है। तो यदि आप ये सब चीज फॉलो करते हैं तो 99% आपकी यात्रा सुखद होगी किसी भी एक्सप्रेसवे और हर जगह पे। इसमें जैसा मैंने बताया कई रूल जेनरिक हैं जो हर जगह फॉलो होते हैं, तो फॉलो करें और मजे से अपनी यात्रा पूरी करें। इसी के साथ यदि आप चैनल पे नए हैं और आपको ये वीडियो कहीं से भी कुछ भी आपके ज्ञान में कोई वर्धन करता है, मतलब एडअप करता है, तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक शेयर एंड कमेंट टू। और जो सब्सक्राइब ऑलरेडी हैं भाई, आप तो जरूर ही यदि इस वीडियो को अब तक देखे, मतलब अब तक यदि आप देख रहे हैं तो आपको जरूर ही पसंद आया होगा, आपको जरूर ही इंफॉर्मेटिव लगी होगी। तो आप लाइक शेयर और कमेंट करें कि फीडबैक कि क्या मैं सुधार कर सकता हूं और मुझे क्या चीज करनी चाहिए अपने वीडियो को और अच्छी तरह प्रस्तुत करने में। ये देखिए सामने ये स्पीड मेजरिंग मशीन लगा हुआ है, जैसे मेरा 75 है स्पीड। तो इस तरह से आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे चार जगह लगे हुए हैं, तो ध्यान रखे रहना है दोस्तों। एंड प्लीज डू कमेंट इफ आई हैव मिस्ड एनी रूल्स और एनी प्रिकॉशन, यदि मैंने कोई भी नियम या सावधानी एक्सप्रेस वे पे चलने की मतलब छोड़ दिया हो बताना आपको, तो प्लीज कमेंट करें, उससे औरों के और मुझे भी पता चले कि ये चीजें भी ध्यान में रखनी चाहिए। गाइस जरूर से जरूर कमेंट करें अगर मैंने कोई भी नियम या कोई भी सावधानी बताना भूल गया हूं इस वीडियो में, या हो सके मुझे ही ना पता हो, तो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल डंकी मंकी एंड ट्रैवलर गाइस। सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग।